हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो ट्रिगो ही रहेगा। इसके पहले वाले जो लेक्चर था उसमें हमने ट्रिगो के एकदम जो बेसिक चीज़ें थी बहुत स्लोली और ये कंसीडर करके आपको सिखाया था कि मान लीजिए आपको ट्रिगो कुछ भी नहीं आता है, तभी भी आप इसके पहले वाले लेक्चर से ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से सीख सकते हैं। आज हम क्या करते हैं, उसी कंटेंट को थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे, आगे बढ़ेंगे, देखते हैं ट्रिगो में हमारे पास क्या है। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है। इसके पहले भी हम ट्रिगो को डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर वन में, हमने क्या डिस्कस किया था और हम इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे वो देखिए। सबसे पहले हमारे पास ग्राउंड होना चाहिए, एज अ ग्राउंड आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ए बी सी। अगर मैं इसको थीटा कंसीडर करता हूं तो थीटा के सामने की साइड परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये बेस होना चाहिए, ये हाइपोटेनस होना चाहिए। जब आपके पास ग्राउंड है, ग्राउंड का नाम आपने दे दिया है, फिर आप दूसरे पॉइंट पे क्या बोलते हैं, आपके पास प्लेयर्स होने चाहिए। प्लेयर्स कितने होते हैं, 6 प्लेयर होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, तीन तो मेन प्लेयर होते हैं, तीन इनके एसोसिएट प्लेयर होते हैं, यानी कि कोसेक थीटा, ठीक है, इसका होता है सेक थीटा और इसका होता है कोट थीटा। देखिए कोसेक थीटा जो है वो इसका रेसिप्रोकल होता है, मतलब 1/sin साइन थीटा जो है उसको हम कोसेक बोलते हैं, 1/cos कोस जो है उसको हम सेक बोलते हैं, 1/tan टेन जो है उसको हम कोट बोलते हैं। फिर हमने आपको बताया था थर्ड पॉइंट में इनके नाम होने चाहिए, तो साइन थीटा का क्या नाम होता है, पी अपॉन एच, कोस थीटा का नाम होता है बी अपॉन एच, टेन थीटा का नाम होता है पी अपॉन बी, नाम हो गए। फिर कोसेक थीटा जो है वो इसका रेसिप्रोकल होता है, तो ये एच अपॉन पी हो जाएगा, ये एच अपॉन बी हो जाएगा और ये बी अपॉन पी हो जाएगा। तो ग्राउंड हमारे पास है, प्लेयर्स हमारे पास है, प्लेयर के नाम हमारे पास है, कुछ न कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा भी होता था। क्या होता था, हम टेन थीटा जो है उसको क्या लिखते थे, आपको ध्यान आया होगा टेन थीटा को मैंने आपको टेक्निकली लिख के बताया था, कैसे लिखेंगे, टेन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप टेन थीटा को ऐसा लिखते हैं तो कोट थीटा जो है वो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। मतलब हम कोट थीटा को क्या लिखेंगे, कोट थीटा जो है इसको हम कोस अपॉन साइन लिखेंगे, तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। ओके, ग्राउंड हो गए, प्लेयर्स हो गए, प्लेयर्स के नाम हो गए, टेन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कोस थीटा या कोस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। नेक्स्ट, जब आपके पास ये सब चीज़ें हैं फिर रूल्स होने चाहिए। रूल्स हमारे पास कितने हैं, तीन रूल हैं। कौन कौन से हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। दूसरा रूल है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड वाला जो रूल है वो क्या है, वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये जो चीज़ें हैं वो एकदम बेसिक चीज़ें हैं, सबको आनी चाहिए। जब आपको ये चीज़ें आ जाए तो इसके बाद में हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रिगो का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, आपको ये चीज़ें आनी ही चाहिए। इसके बाद हम क्या देखते हैं और हमारे को क्या चीज़ें आनी चाहिए उस पर हम थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो देखिए हमारे पास ट्रिगो के एक्चुअली में चार पार्ट होते हैं। टोटल हम ट्रिगो को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। कैसे, देखिए पहला जो पार्ट है वो रेशियोज है, रेशियोज, ठीक है, क्या होता है मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। दूसरा जो हमारा इसमें ट्रिगो का पार्ट है वो क्या रहेगा, रेशियोज है। दूसरा हमारे पास टेबल रहेगा, जैसे साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, इन सबको हम टेबल बोलते हैं। ठीक है, थर्ड जो पार्ट रहेगा वो रहेगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्या रहेगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तीन पार्ट हो गए, और इसके बाद हमारा जो पार्ट फोर रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा हाइट एंड डिस्टेंस, क्या रहेगा, हाइट एंड
डिस्टेंस। तो हम ट्रिग्नोमेट्री को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। कैसे? पहला पार्ट है रेशियोज, ठीक है, रेशियोज एंड आइडेंटिटीज भी आप बोल सकते हैं, लेकिन पहले हम रेशियोज बोलते हैं, बाद में हम इसी पॉइंट को क्या बोलेंगे, रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। ओके, फिर टेबल, जहां पे आपको कुछ वैल्यूज याद करनी रहेंगी, जैसे साइन जीरो की वैल्यू जीरो, साइन थर्टी की वैल्यू वन बाई टू, है ना, साइन फोर्टी फाइव की वैल्यू वन बाई रूट टू, कैसे याद करनी है, वैल्यूज कहां से आए, पूरा डिटेल में आपको बताया जाएगा। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, इनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस, अगर आपको परपेंडिकुलर और एक एंगल दिया जाए तो आप रिमेनिंग टू साइड्स निकाल सकते हैं, रिमेनिंग एंगल्स निकाल सकते हैं, तो इसको बोलते हैं हम हाइट एंड डिस्टेंस। तो ये एकदम शॉर्ट सा इनके बारे में रिव्यू है कि आप अगर इनके बारे में थोड़ा एक मिनट में जानना चाहें तो ये चीज़ें क्या होती हैं मैंने आपको बताया। हम सेपरेटली हर पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। पहला पॉइंट रहेगा हमारा रेशियोज, रेशियोज क्या होता है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, देन टेबल, देन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देन हाइट एंड डिस्टेंस। इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्री को चार पार्ट में डिवाइड करते हैं, लेकिन ये जो चार पार्ट हैं वो टेंथ तक ही चार पार्ट हैं, अगर हम इलेवेंथ में जाते हैं तो इन सबको मिला के हम एक पार्ट बोलते हैं, बाकी पार्ट बहुत अलग हो जाते हैं और आपको वो चीज़ें डिस्कस करने में, पढ़ने में, एमसीक्यू सॉल्व करने में बहुत मज़ा आने वाला है, लेकिन पहले आपको ये चीज़ों से निकलना पड़ेगा, आप यू हैव टू गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स। ओके, कहने की मतलब आपको ये आना ही चाहिए। तो पहला पॉइंट रहेगा रेशियोज क्या होते हैं, आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो देख लीजिए रेशियोज, देखिए साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, अगर हम इनकी बात करें तो ये जो है वो है क्या, रेशियोज ही तो हैं, क्या इनकी कोई यूनिट होगी? यूनिट का मतलब जैसे डिस्टेंस को आप किस में लिखते हैं, ए बी सी। मान लो इस एंगल को मैंने यहाँ पे सी बोला, इस एंगल को मैंने यहाँ पे क्या बोला, सी, और इस एंगल को मैंने यहाँ पे क्या बोला, ए बोला। ये एंगल ए है, ये एंगल सी है, मैं आपको बोला साइन थीटा लिखो, ठीक है, लेकिन थीटा तो यहाँ पे है ही नहीं, थीटा क्या था, थीटा एक एंगल था, तो उस एंगल की जगह पे यहाँ पे क्या एंगल आया, सी आया, मैं आपको बोला साइन सी लिखो, तो साइन सी लिखना है आपको, क्या लिखना है, साइन सी। तो मैंने यहाँ पे एंगल किसको कंसीडर किया, सी को कंसीडर किया, मतलब थीटा की जगह कौन है, सी है। अगर ये एंगल हम कंसीडर कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर हमारा ये रहेगा डेफिनेटली, क्योंकि हमारा एंगल जो ऑब्जर्वेशन वाला है वो ये है, तो ये परपेंडिकुलर रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, ये बेस रहेगा, डेफिनेटली रहेगा, और ये क्या रहेगा, ये हाइपोटेनस रहेगा। तो साइन क्या होता है, याद कीजिए पंडित बद्री प्रसाद वो वाला स्टेटमेंट, तो साइन होता है पी अपॉन एच, तो यहां से साइन क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते, यार आप साइन मत बताओ, आप तो हमको कोस बताओ, कोस क्या होता है, कोस के पहले यहां पे एक और देख लो, साइन सी मत बताओ, मुझे साइन ए बताओ, ए मतलब अब हम क्या करने वाले हैं, इस एंगल को कंसिडर करने वाले हैं, यहां पर थीटा की जगह कौन आया, ए आया, तो साइन ए जो है वो क्या होने वाला है, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, क्योंकि देखो मैंने आपको बोला था जो एंगल हम कंसीडर करें उसके सामने की साइड आपके पास होनी चाहिए, तो इसके सामने की साइड क्या है, ये वाली साइड जो है वो आपका परपेंडिकुलर होगा, ये आपका बेस होगा, हाइपोटेनस फिक्स है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, आप देखो इधर उधर होना है तो हो जाओ, मैं अपनी जगह पर रिजिड हूँ, हाइपोटेनस फिक्स है। चेंजेस किस में आ रहे हैं, या तो P अपनी जगह आ रहा है, दो जने ये इसकी जगह, ये इसकी जगह, डिपेंड करता है हम कहां से मेजर कर रहे हैं। ओके, ठीक है, तो साइन A परपेंडिकुलर BC है, ठीक है, हाइपोटेन्यूस तो AC ही रहेगा, तो ये साइन A है। अगर मैं आपको बोलता अरे यार कोस A बताओ, क्या बताओ, कोस A बताओ, तो कोस A मतलब ये वाला ही एंगल हम कंसिडर करेंगे, तो ए बी तो हो जाएगा बेस और ए सी हो जाएगा हाइपोटेनस, क्योंकि कोस का रेशियो क्या होता है, कोस का रेशियो होता है
पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, मतलब सेकंड नंबर का बी अपॉन एच क्या होता है, कोस का रेशियो बी अपॉन एच, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी, ये हो गया कोस ए का रेशियो। अब आपसे बोला जाए एक काम करो मुझे कोस सी बताओ, ठीक है कोस सी देख लीजिए, कोस सी। अब कोस सी इस एंगल को हमको कंसिडर करना है, अगर ये एंगल कंसिडर करना है तो आपका इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर, ये बेस, ठीक है, तो कोस क्या होता है बी अपॉन एच, तो कोस सी क्या हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी हो जाएगा। तो इस तरह से आप साइन लिखो, कोस लिखो, टेन लिखो, कोसेक लिखो, सब सी में लिखो, ए में लिखो, समझने वाली बात मैंने आपको बता दी है, किस तरह से यूज करना है, किस तरह से याद रखना है, सब मैंने बताया। अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं रेशियोज पे, तो रेशियोज वाला पॉइंट देखते हैं। देखिए रेशियो किसको बोलते हैं, अगर हम दो नंबर्स को डिवाइड करें ए अपॉन बी तो दो नंबर का रेशियो हो जाता है, उसमें कुछ बड़ा वो समझने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर रेशियो ही टॉपिक पढ़ रहे हैं तो फिर वो अलग बात हो जाती है। तो अगर मैं बात करूं साइन की, तो साइन ए की बात करता हूं, तो साइन ए जो है वो क्या है पी अपॉन एच, तो पी क्या है बी सी और एच क्या है ए सी, तो साइन जो है वो बी सी और ए सी का रेशियो है, मतलब परपेंडिकुलर साइन ए जो है ना वो, देखो ए को हम यहाँ पे आएंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा, तो साइन जो है वो बी सी और ए सी का क्या है रेशियो है, इस वजह से हमारा टॉपिक जो है वो क्या है रेशियोज है। हमारा टॉपिक क्या है ट्रिग्नोमेट्री में, पहला टॉपिक लिख लो यहाँ पे, कौन सा है पहला टॉपिक रेशियोज, ओके अब इसको हम प्रैक्टिकली थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मान लो मैंने आपको बोला साइन ए इक्वल टू 4/5/P/H है ना, तो 4/5 मैंने यहाँ पे आपको दिया, तो इसका क्या मतलब होता है, साइन जो है मैंने आपको क्या बोला 4/5 है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है साइन ए, अगर मैं साइन सी बोलता तो वो अलग बात हो जाती, तो साइन सी मैंने यहाँ पे अगर 4/5 बोला, इसको थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए, ये है, तो साइन सी जो है इसको हम पर्टिकुलर टेक्निक में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए ये तो रहेगा हाइपोटेनस, ये रहेगा परपेंडिकुलर, ये रहेगा बेस, तो साइन जो है वो एक्चुअली में पी और बी का क्या है P और B का रेशियो है, ध्यान रहे P और B का क्या है रेशियो है। अगर मैं इसको बोलूं कि ये 4 है ये 5 है तो ये बोलना क्या गलत होगा, ये परपेंडिकुलर 4 है ये बेस जो है वो 5 है, ऐसा ये बोलना गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 4/5 जो है वो रेशियो है, क्या है रेशियो है, हो सकता था ये 8/10 रहा हो, क्योंकि जब आप इसको रिड्यूस करेंगे ना तो 4/5 आने वाला है, तो एक्चुअली में क्या वैल्यू हो सकता है 16/ यहाँ पे कुछ और रहा हो, 20 रहा हो, इन सब का रेशियो तो 4/5 ही है ना, तो हम डेफिनेटली ऐसे तो नहीं बोल सकते कि ए बी जो है वो 5 यूनिट है और बी सी जो है वो 4 यूनिट है या 5 यूनिट है, इसको एग्जैक्टली नहीं बोला जा सकता। फिर क्या करना होता है, आप क्या कीजिए, आप एक सिंपल सा तरीका यूज कीजिए, क्या इसको बोलिए कि ये पी अपॉन एच होता है, ये पी है ये एच है, तो हम पी क्या बोल सकते हैं 4K बोलिए, एच क्या बोल सकते हैं एच जो है वो 5K बोलिए, के क्या है एनी कॉन्स्टेंट है, के क्या है एनी कॉन्स्टेंट है, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि अगर आप के की वैल्यू जानते नहीं हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन गलत तो नहीं हो रहा है ना बोलना, तो इसको हमने क्या बोला 4K बोला, इसको हमने क्या बोला 5K बोला। देखिए अगर आप इसको सिर्फ 4 और 5 करके भी काम करते हैं तभी भी आपकी कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं है, लेकिन मैथमेटिकली वो कहीं ना कहीं गलत हो जाता है, समझ रहे हो आप हमारी बात को, अगर मैं इसको 4 लेता इसको 5 लेता तो सॉरी इसको 5 लेता तो डेफिनेटली ये मेरे पास 3 आने वाला है,
ठीक। और जब आप रेशियो लिखेंगे तो अगेन 3/4, 4/3, 5/3, ये सब रेशियो आने वाले हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैथमेटिकली वो गलत हो जाता, क्योंकि रेशियो जो है उसके साथ कुछ एडिशनल के आना चाहिए सो देट आप मैथमेटिकली करेक्ट रहे। चलो कोई बात नहीं, इतना एक्सप्लेनेशन बहुत हो गया, आगे देखते। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम, क्वेश्चन कैसा रहेगा वो देखिए। पूरा मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है, अब सिर्फ आपको क्वेश्चन करना है। इन ट्राइंगल ए बी सी साइन सी इक्वल टू आपके पास 4/5 है, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, आपको बाकी जो हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज बताने। अब देखो इसको कैसे हम सोल्व करेंगे, बहुत सिंपल से बात है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। साइन सी जो है वो आपको 4/5 दिया है, मतलब परपेंडिकुलर तो 4k होने वाला है, परपेंडिकुलर कौन होने वाला है 4k, के क्यों लिखा मैंने बताया, हाइपोटेन्यूस क्या होने वाला है 5k होने वाला है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, BC निकाल लीजिए। BC निकालने का टेक्निक क्या रहेगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज कीजिए। तो इन ट्राइंगल यहाँ पे अलग से कीजिए, इन ट्राइंगल ABC, कौन से ट्राइंगल में, ABC, AB² + BC² = AC² AB कितना है 4K है, तो 4K का स्क्वायर, BC कितना है नहीं मालूम है, और AC कितना है 5K का स्क्वायर। ओपन कीजिए, 16K² + BC² = 25K², तो ये उधर जाएगा, तो BC² = क्या आ जाएगा, 25K² - 16K² आ जाएगा। माइनस कर दीजिए, अगर आप माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा, BC² = 9K² हो जाएगा, और आपको यहाँ से BC क्या मिलने वाला है, BC मिलने वाला है 3K। ओके, तो BC आपको कितना मिल गया, पाइथागोरस थ्योरम से BC मिल गया आपका 3K, ये हो गया आपका BC। अब क्या करना है, आपको बाकी भी लिखने हैं। तो देखो पहला हमारे पास है साइन सी तो हम जानते हैं, साइन सी कितना दिया है, साइन सी हमारे को 4/5 दिया है, तो कोसेक सी क्या हो जाएगा, इसका जस्ट रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 5/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ जाओ, दूसरे नंबर पे क्या आएगा, दूसरे नंबर पे कोस सी, कोस क्या होता है, B/H होता है, B कितना है 3K और H कितना है 5K, तो लिख दीजिए ये हो जाएगा 3K/5K, तो ये हो जाएगा 3/5। मैंने आपको बोला था कैसे K कैंसिल ही होने वाला है, लेकिन मैथमेटिकली हम कहीं गलत ना हो जाएं उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे K यूज करना सिखाया। अगर आप K यूज करते हैं तो इट्स बेटर, पहले से अच्छा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। चलिए कोस जब हमको मालूम है तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेक सी, तो सेक क्या होता है, जस्ट कोस का रेसिप्रोकल होता है, तो ये हो जाएगा 5/3, तो कोस हो गया सेक भी हो गया। अब कौन बच गया, टेन बच गया, टेन भी लिख दीजिए, टेन क्या हो जाएगा थर्ड नंबर पे, टेन सी, तो टेन सी क्या होगा, टेन सी जो है P/B, टेन क्या होता है P/B, याद करो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, टेन क्या होता है P/B होता है, P कितना है 4K, B कितना है 3K, तो कैसे के तो कैंसिल होने वाला है, तो 4/3 आ गया। तो टेन का उल्टा कौन होता है, रेसिप्रोकल, कोट सी, तो कोट सी क्या हो जाएगा, कोट सी हो जाएगा आपका इसका रेसिप्रोकल 3/4। तो देखें ये अगर आपको दिया जाता है तो आपको ये चीज़ें पूछी जाती है, हो सकता है आपको ये देख के बोला जाए इवेल्यूएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इसको सिंप्लीफाई करो, इसमें वैल्यू रखो, इसकी वैल्यू निकालो, ये सब चीज़ें, लेकिन एक बेसिक आपके पास होना चाहिए, और बेसिक ये है। इसी में ही हम चेंजेस करते हैं थोड़ा सा, वो भी आपको बता देते हैं। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे साइन सी की जगह पे साइन ए दिया होता, यहाँ पे क्या दिया होता, ए दिया होता, अब क्या अंतर आ जाता,
साइन ए जो है वो इस एंगल को कंसीडर किया जाता है ना, इसको क्या किया जाता, कंसीडर किया जाता, तो क्या हो जाता, परपेंडिकुलर क्या हो जाता, 4k हो जाता, हाइपोटेनस क्या हो जाता, 5k हो जाता। तो अब आपका ये तो हो जाता 4k और ये हो जाता 3k, और आप चीजों को फिर से वैसे ही लिखते। कैसे, आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते, ए बी निकालते, तो ये पाइथागोरस थ्योरम का भी चेंजेस आ जाएगा। दूसरा, आप इसको एंगल कंसीडर नहीं करेंगे, फिर यहाँ पे इसको एंगल कंसीडर करेंगे ए, तो साइन ए क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हैं पी अपॉन एच हो जाएगा, कोस ए क्या हो जाएगा, बी अपॉन एच हो जाएगा, टेन ए क्या हो जाएगा, पी अपॉन बी हो जाएगा। इस तरह से आप रेशियोज जो है उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल और बताना चाहूँगा जिससे आपकी ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ओके, मान लो यही हमारा ट्राइंगल है और आपको चीजें भी इस तरह से दी है। मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, ये आपको ट्राइंगल दिया है, ये एंगल ए है, ये एंगल सी है ना, और आपको बोला गया है फाइंड, फाइंड क्या करना है, फाइंड साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी, ये निकालना है। अब देखिए यहां से शुरू करते, साइन ए इसको कंसीडर कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर कौन है, 4k, हाइपोटेनस क्या है, 5k, तो यहां पे क्या लिखेंगे इसकी जगह, 4k अपॉन 5k। कोस सी इसको हम एंगल कंसीडर कर रहे हैं, कोस क्या होता है, b अपॉन h, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4k अपॉन 5k हो जाएगी, प्लस कोस ए इस एंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं, तो बेस कौन है, 3k, हाइपोटेनस कौन है, 5k, तो ये कितना हो जाएगा, 3k अपॉन 5k। साइन सी, सी मतलब ये, तो p अपॉन h, तो ये कितना हो जाएगा, 3k अपॉन 5k हो जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखो कैसे, तो के हर जगह पे ये कैंसिल ही हो रहा है, तो यहाँ पे 4 इंटू 4 16 अपॉन 25 प्लस 3 जा 9 अपॉन 25, दोनों को ऐड कर दीजिए, 25 अपॉन 25, इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, 1 आने वाली है। इस तरह से आप इस वाले टॉपिक को देखिए, मैंने आपको बताया है ट्रिग्नोमेट्री को हम कितने पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, 4 पार्ट में, रेशियोज, फिर दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो सकता है, रेशियोज एंड आइडेंटिटीज एक ही बोलते हैं हम, ठीक है, तो रेशियोज, हाइट एंड डिस्टेंस, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाते हैं। इस तरह से आपके पास 3-4 टॉपिक है, आप आराम से इनको हाइट एंड डिस्टेंस एक बोल सकते हैं, 3-4 है। मैंने आज इस लेक्चर में आपको सिर्फ रेशियोज के बारे में बताया, क्योंकि एक टाइम में अगर आप एक पार्ट पढ़ते हैं तो एकदम क्लियर हो जाता है, तो रेशियोज वाले अगर कोई भी क्वेश्चन आपको आता है तो आप उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, न्यू कंसेप्ट के साथ हम नए लेक्चर में आएंगे। थैंक यू वेरी मच।